हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में आरती कुजूर ब्लॉग्स। तो अभी सुबह सुबह मेरे मम्मी पापा का खेती का काम जो है शुरू हो चुका है। तो अभी मम्मी पापा क्या लगा रहे हैं उनको पूछते हैं, उनसे ही जानते हैं क्या लगा रहे हैं पापा। झेंगी बोल रहे हैं, इधर मम्मी है, इधर बहुत झुंड हो गया है तो दिखाई नहीं दे रहे, मम्मी भी छुप गए हैं। और यहाँ पे छोटा छोटा बीज हमने डाला था और देखिए कितना बड़ा बड़ा पौधा हो गया है, जेर पकड़ लिया है पूरा बड़ा बड़ा। और इधर चल के देखते हैं, ये है बरबट्टी, ये भी बरबट्टी। सेम भी कौन सा है माँ, ये वाला ना, ये वाला सेम भी है। देखिए ये झुंगा है, कौन सा सेम भी है, कौन सा ये। उधर सेम भी है, मुझे पता नहीं चल रहा है। ये वाला सेम्बी है और ये वाला जो है, ये जो है ठिकड़ी टाइप का दिखता है इसका पत्ता, और इसका थोड़ा गोल गोल है, देख ही सकते हैं। मेरे का तो पता ही नहीं चल रहा था कौन सा क्या है। ये है सपूरी, दो पीस लेके आए थे खरीद के, तो ऊपर का जो डाही रहता है सब उस सपूरी का, तो उसको ही लगाते हैं। आप पहली बार लगाए हैं, ट्राई करते हैं, निकलेगा तो आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं अभी खाना बना रही हूँ, दाल बिठाई हूँ, देख ही सकते हैं। और इधर तावा है जिससे मैंने रोटी बनाया, रोटी चीला रोटी बनाया, सब कोई खा लिए हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो मैंने भी अंदर में भुजिया भी चढ़ाया है, पुटोल का भुजिया बना रही हूँ, और अभी सिर्फ चावल बनाना बाकी है। क्लास गई थी, कंप्यूटर से क्लास गई थी, उसके बाद आने के बाद ये सब काम निपटाया। फिर झाड़ू तो नहीं लगाया है अभी तक, थोड़ा बर्तन पड़ा हुआ है, मतलब ब्रेकफास्ट जो किया है उसका बर्तन है थोड़ा, उसको मैं अभी धो लूँगी, चलती हूँ अंदर, काम वाम जो है निपटा लेती हूँ। और इधर आपको एक चीज़ दिखाती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा छोटा सा गार्डन है, इधर देखिए कितना सारा फ्लावर हुआ है, फूल छोटा छोटा सा, और इससे ना बहुत अच्छा सुगंध आता है। देखिए कितना प्यारा दिखता है, पूरा अच्छा सेंट आता है इससे, और इससे जो है बहुत प्यारा प्यारा माला भी बन सकता है। ये है और गुलाब का पौधा हमने बहुत सारे लगाए थे लेकिन नहीं टिकता है, हमारा मुर्गी सब खा लेते हैं, सब पत्ता वत्ता तोड़ के ख़त्म कर देते हैं, पूरा मुनगा का डाही छोड़ते ही नहीं है। तो ये खाली बचा है, तो ये अच्छा दिख रहा है। मम्मी को दिखा के आते हैं, माँ देख, माँ देख, माँ देख, गो देख, डर लो हाय रे मरमली फूल गजोरा। तो ये देखिए इसे पतीले को अभी मैं धोने के लिए बाहर लाई हूँ, तो ये देखिए इसे पतीले को अभी मैं बाहर धोने के लिए लाई हूँ। तो ये जो जितना भी चूल्हे में खाना बनता है वो सब पतीला हो या वो कढ़ाई हो, ये बाहर में धुलता है, अंदर में तो धो नहीं सकते, काला हो जाएगा ना इसलिए। ये देखिए साबुन और बर्तन। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मांग लिया है पतीले को, तो अभी दाल भी हो गया है, ये यहाँ पे पूरब हो गया है, देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है दाल हो गया है, तो ये हो गया है पूरा, देख ही सकते हैं। तो फटाफट से मैं पानी लाती हूँ, चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर इसका दाल छौंकने के लिए कुछ जो भी इंतजाम करना है, लहसुन और प्याज जो है चतराऊंगी, पहले पानी ले लेती हूँ। और आपने हमेशा वीडियो में देखा होगा कि यही पतीला यूज होता है हमारे घर में, क्या करें दोस्तों, हमारे पास पतीला नहीं है, और ऐसी कोई बात नहीं है,
रीज़न ये है कि चूल्हा में एक ही पतीले को यूज़ करते हैं चूल्हा में खाना बनाने के लिए, क्योंकि नीचे का हिस्सा जो है काला पड़ जाता है, तो रोज़ाना ऐसे दूसरा तीसरा चूल्हा यूज़ मतलब पतीला यूज़ करेंगे तो खराब हो जाएगा ना, काला काला हो जाएगा, इसलिए एक ही पतीले से हम खाना बनाते हैं चावल। और ज़्यादा गेस्ट आने में तो दूसरा बर्तन बनाएंगे, छोटा पड़ जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए पुटोल भुजिया बना रही हूँ मैं, और मतलब मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ पुटोल भुजिया ही बनता है हमारे घर में। क्या करें, अभी बाजार में सिर्फ पुटोल भिंडी कुंदरी और बोती ये सब सिर्फ मिल रहा है, तो यही से चीज़ें दिखेगा और क्या करेंगे, दूसरा चीज़ तो और नहीं मिलेगा। तो ये देखिए पानी भी भर गया है। ये है दाल में मिक्स होने वाले इंग्रेडिएंट्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मुझे अभी लाना है। तो अभी थोड़ा बारिश का बूंदे भी गिरने लग गया है यहाँ पे, देखिए 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 उधर से बारिश हो रही है, धीरे धीरे होले होले आ रहा है देखिए। और ये है उसका मेन इंग्रेडिएंट, टड़ंग टड़ंग टड़ंग, ये इंग्रेडिएंट अभी पूरा ठीक है दाल के लिए। थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा मिर्च, और ये है कड़ी पत्ता। और इसके साथ और एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि है ये जीरा। ये सब इंग्रेडिएंट तो लगता ही लगता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो दाल में लगता है वो है खुद ये दाल। तो यहाँ पे दाल पे पानी ज़्यादा लग रहा है, तो इग्नोर दिस एक्सेस ऑफ वाटर, क्योंकि दाल नीचे बैठ गया है। ये देखिए, ठीक बोला ना मैंने, दाल नहीं होगा तो कहाँ से ये सब चीज़ें लगेगा बताइए। इस सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं होगा, वेस्ट है सब। दाल होगा उसके बाद ही ये सब लगेगा। तो दाल में छोक लगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कढ़ाई, तो ये वही कढ़ाई है जिसपे मैंने दाल चढ़ाई थी। तो बीचों बीच काला पड़ रहा है, उससे पहले काला पड़े उससे पहले मैं तेल डाल देती हूँ। ये देखिए गाइस, और एक पाइनएप्पल बच गया है, और मेरे पापा को ये पाइनएप्पल का सेंड इतना पसंद आया कि इसका एक अगरबत्ती भी मिलता है वो लेके आए हैं खुद का। ये देखिए, तो ये फ्रेश पाइनएप्पल का है, देखिए बहुत अच्छा सुगंध था इसका, मतलब इसको हम रूम फ्रेशनर हिसाब से भी हम लगाते हैं।